कहाँ गए अधिकारी? बैठो यहाँ, जल्दी आओ। ऐसी कहाँ झुके बैठे हो? आंसर जी अगर बता दें कि 20 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं तो मैं 200 करोड़ का बनवा दूंगा। सांसद जी का तो पूरा पन्ना है और मैं कह रहा हूँ कि घोषणा तो मैं करता नहीं, क्योंकि मैं घोषणा मंत्री बनना नहीं चाहता। मैं काम करने वाला मंत्री बनना चाहता हूँ। और विभाग के अधिकारियों को मैं कहूंगा, कहाँ है, सामने आइए, ये पता लगाइए और सर्वे करवाइए, भरतना बाईपास कितने लागत से बनेगा और कैसे बनेगा। आइए वहां जनता के सामने बताओ, बेचारी बरसात में भीग रही है, हम लोग तो यहाँ उल्टा। जनता के अनुरूप काम किया जाएगा। कहाँ गए अधिकारी? बैठो यहाँ, जल्दी आओ। ऐसी कहाँ है, कहाँ झुके बैठे हो? कहाँ, जल्दी आओ। ये सुनो, एक ऐसा सुनिए, इसका प्रस्ताव मैं मंजूर कर रहा हूँ, जल्दी से टेंडर करा के इसका काम चालू कराइए। दूसरी, नुमाइश चौराहे से 22 ख्वाजा होते हुए दक्षिणी बाईपास, ये जरूर इसका एस्टिमेट लगा सर। एस्टिमेट नहीं, काम बनना है। संजय जी, तीसरी, भरतना बकेवर खना सिंडोसा मार, सिंडोस मार बनना है कि नहीं बनना है? 20 करोड़ की लागत का है, इसको अभी बनवाएंगे। और सांसद जी अगर बता दें कि 20 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं तो मैं 200 करोड़ का बनवा दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सेतु भी प्रस्तावित है, जो छोटे सेतु हैं, एक जो आपका लघु सेतु मानिकपुर पृथ्वीपुर मार्ग पे कंकापुर दिल मार्ग पर एक वो बनेगा, दूसरा देवीपुर से रूरा मार्ग पर। झावा जनपद के लिए लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो खास फोकस रहता है, गुणवक्ता नए योजनाएं, माननीय सांसद कठेरिया जी और माननीय विधायक सहायता भद्रा जी की जो विभिन्न मांगे थी, क्षेत्र की समस्याएं थी, सेतु से लेकर सड़कों की घोषणा भी की है और विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं रूपरेखा तैयार करें ताकि और बड़ी परियोजना यहाँ ला। लास्ट एक सवाल है कि G20 को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उनका कहना है कि जी का मतलब घोषित तो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर देखते हुए क्या इस तरीके से ट्वीट किया जाना चाहिए? सब भारत और गर्व का दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व के अमेरिका से लेकर जापान तक के राष्ट्रपति का आगमन भारत की धरती पर हुआ है, एक नए युग की शुरुआत है, नए भारत का निर्माण शुरुआत है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाई हो जाएगा। इन बातों से कुछ नहीं।